हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि हम बिहार के जितने भी 38 डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट और गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज की प्रीवियस ईयर की कटअप के बारे में आपको बता रहे। पिछले 4-5 जिलों को मैंने बता रहा है, कहीं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगी, वहाँ से देख सकते हैं। आज की यानी कि इस वीडियो हम भोजपुर जिला के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कटअप रही थी 2023 में, और इस बार कितनी सेफ कटअप रहेगी वो हम बारे में, यानी कि बिहार डीएलएड की वेबसाइट पर आपके जो प्रमाणित है, यानी कि बिहार डीएलएड सरकार द्वारा प्रमाणित है जो कॉलेज, उसी कॉलेज के बारे में हम बता रहे हैं। कि इसमें टोटल आपको फेक कॉलेज के बारे में नहीं बता रहे, इसमें टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज है बिहार आपकी भोजपुर जिला में उसके बारे में बात करेंगे, और उस पर भोजपुर जिला में बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज क्या है और उसकी कटअप क्या रही थी, वो सारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों हम बात कर लें कि बिहार डीएलएड कटअप 2024 में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे भोजपुर जिला के। भोजपुर जिला से आप हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। आप या बात किसी और जिला से है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप देख लीजिए आपके जिला का रोड, नहीं तो नेक्स्ट हम वीडियो में सारे जिला को कवर कर ही रहे। प्राइवेट कॉलेज की बात करें, भोजपुर में टोटल 4 प्राइवेट कॉलेज है, वैसे तो मैक्सिमम 8-9 कॉलेज है, लेकिन 4 ऐसे कॉलेज है जो पॉपुलर है और बिहार डीएलएड सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर है। और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 2 गवर्नमेंट कॉलेज है। तो दोस्तों हम सारे के कटअप देखेंगे, इस 4 के और 2 के, यानी कि टोटल 6 कॉलेज जो हो गए आपके भोजपुर जिला में, तो 6 कॉलेज की कटअप देखेंगे, कैटेगरी वाइज कितनी कटअप है और इस बार कटअप आपकी सेफ क्या रहेगी वो सारी जानकारी जानेंगे। तो हम बात करें प्रीवियस ईयर कटअप, बात करें गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे 2023 में हुई थी उससे रिलेटेड बात करेंगे, 2024 में क्या कटअप जा सकती है वो हम बात करेंगे। तो दोस्तों 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, दोनों गवर्नमेंट कॉलेज की कटअप की बात करते हैं। डाइट पिराउत है, पिराउत भोजपुर में है, जो भोजपुर के लोकल निवासी हैं वो जानते होंगे पिराउत कहाँ है जो भोजपुर में है। इनकी हम बात करें साइंस कॉमर्स आर की कैटेगरी वाइज, तो यूआर की बात करें साइंस में 78.73, कॉमर्स आर में 62.97, ईडब्ल्यूएस में 79.14, साइंस में कॉमर्स आर में 57.09, बीसी में बात करें साइंस के तो 77.99 और कॉमर्स आर में 61.84, ईबीसी साइंस में बात करें 77.04, कॉमर्स आर में 59.94, एससी की बात करें साइंस में तो 70.93, कॉमर्स आर्ट में 56.42 रहा था, जबकि एसटी की बात करें तो 64.18 साइंस में और कॉमर्स आर्ट में 61.83 थे। ये होगी आपकी पिराउत जिला, पिराउत में जो है डाइट कॉलेज, यानी कि डाइट कॉलेज जो पिराउत में भोजपुर में उसकी बात होगी। नेक्स्ट में है यानी कि प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज बिहारिया, यानी कि बिहिया जो है भोजपुर जिला में ही पड़ता है, वहाँ के जो है कटअप हम देखेंगे साइंस कॉमर्स और आर्ट की देखेंगे। तो यूआर की बात करें साइंस में यहाँ 80.84 आता, जबकि कॉमर्स आर्ट में 63.74, ईडब्ल्यूएस के 74.19, हाँ साइंस कॉमर्स में आपको 57 पॉइंट, यानी कॉमर्स आर्ट में 57.09, बीसी बात करें तो 78.94 आपकी रहा था साइंस में, जबकि कॉमर्स आर्ट में 60.06 रहा था। ई बी सी बात करें साइंस में 77.16, जबकि कॉमर्स और आर्ट में 59.94 रहा था। साइंस से बात कर ले एस सी का 69.92 और कॉमर्स आर्ट में 56.14, एस टी की बात करें साइंस में 73.24, कॉमर्स की बात करें 61.34। तो ये 2 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके बारे में कैटेगरी वाइज आपको हम बता दें पिछले बार क्या कटअप है, इस बार बता दें कि आप जो भी कैटेगरी से इसमें प्लस माइनस 2 नंबर कर लीजिएगा, इतनी कटअप आपके रहने वाली, इससे ज़्यादा कटअप नहीं रहेगी। जो कटअप है इसमें से 1-2 माइनस आगे पीछे रहेगी, बाकी कटअप यही रहेगी। आप जो प्राइवेट कॉलेज है, 4 प्राइवेट कॉलेज है, वो बोर्ड पे पूरी अटी गई थी, इसलिए मोबाइल के स्क्रीन पाई है उसको, मोबाइल के जिला के जितने भी प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको हम बताने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर भोजपुर जिला की बात करें तो टोटल 4 प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें हम पहले कॉलेज की बात करें इसका कोड यहाँ देख सकते हैं 73803 यहाँ साइंस कॉमर्स आर्ट की देख सकते हैं, यहाँ बाबा हीरा सिंह दीपा सिंह जी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इंडस्ट्रियल एरिया कोताहा भोजपुर में है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बात कर ले अगर साइंस में तो 54.24 गया था कटअप, जो इस बार लगभग 57 या 58 तक रह सकती है। अगर आर्ट्स कॉमर्स की बात करें तो 38 टोटल गया था, 38.0 थे, 38 या अगर 40 नंबर भी आपका है तो यहाँ से आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी। कॉमर्स आर्ट्स से तो आप साइंस है तो लगभग 57 से 58 नंबर आपको चाहिए। नेक्स्ट कॉलेज है यानी कि दरिक्षण सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कुरधैया भोजपुर देख सकते हैं, यहाँ साइंस और कॉमर्स आर्ट की बात करें तो साइंस में आपको 53.29, जबकि कॉमर्स में आपको आर्ट्स की बात करें तो 42.84 आता है, यानी कि लगभग 45 नंबर के आसपास में है, तो यहाँ आप कॉमर्स आर्ट से हो जाएगी। साइंस के लिए आपको 55 नंबर कम से कम यहाँ आपकी रहनी चाहिए तो इस बार एडमिशन हो जाएगी। तीसरी कॉलेज है यानी कि तीसरी कॉलेज की हम बात करें तो तीसरी कॉलेज हमारी यहाँ हो गई यानी कि तेपेश्वर सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज
कल्याण नगर भोजपुर। यहाँ साइंस कॉमर्स आर्ट की बात करें तो साइंस में आपको 55.19 रहा था और कॉमर्स आर्ट में 46.64 रहा था। तो इस बार साइंस में लगभग 60 के आसपास यानी 58 के आसपास में जाएगी, कॉमर्स में आपको 48 के 49-50 के आसपास में रहने वाला, इतने नंबर है तो कन्फर्म भी आपकी प्राइवेट कॉलेज तो कम से कम मिल ही जाएगी। और चौथी कॉलेज है ताकेश्वर नारायण अग्रवाल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हरिगांव भोजपुर। यहाँ साइंस और कॉमर्स साइड की बात करें तो साइंस में आपको 54.24 कॉमर्स में 38.09 रहा था, तो कम से कम आपको 56-57 नंबर है तो यह हो जाएगी साइंस से, कॉमर्स साइड में तो 40 नंबर पर भी आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों भोजपुर के जो भी कैंडिडेट हैं आपके नंबर कम है तो देख सकते हैं आपके प्राइवेट कॉलेज के मार्क्स भी बहुत कम कटअप जा रही, तो आप किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन भोजपुर से भी हो जाएगा। गवर्नमेंट के लिए तो ऑलरेडी हम बता देंगे कितने कटअप जा, प्राइवेट कॉलेज के भी मैंने कटअप बताया था, इस बार कटअप क्या रहेगी 24 में ये भी हम बताए, और गवर्नमेंट की कटअप क्या रही थी ये भी बताया। अगर आप गवर्नमेंट सीट के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके भोजपुर जिला में गवर्नमेंट सीट किस में यानी कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, तो इसके लिए आपको नीचे नीचे वक्त पर लिंक मिलेगी, ये वाली थंबनेल ये वाली वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर है। अगर आप जानते हैं कि बिहार DLED में इस बार कैटेगरी वाइज सीट क्या है, गवर्नमेंट सीट क्या है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर देख ले। बाकी आप भोजपुर जिला से तो आपको कितने नंबर है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आती है आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ आप एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।